नमस्कार, मैं हूं धनश्री। के क्या न्यूज में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। कोरोना संक्रमण के बढ़ने के कारण एक बार पुनः मेडिकल संसाधनों और दवाओं की मांग बढ़ गई है। इसी का फायदा उठाते हुए कुछ शराब तस्कर दवाओं की आड़ में अवैध शराब तस्करी कर रहे थे, जिसका कि आज आबकारी विभाग ने पर्दाफाश किया है। जबलपुर आबकारी की टीम ने करीब 4.5 लाख की देशी शराब सहित एक वाहन जब्त किया है। दवाई की आड़ में ले जा रही थी शराब। आबकारी कंट्रोल रूम को सूचना मिली कि सिवनी से जबलपुर अवैध शराब का जखीरा लाया जा रहा है। सूचना के आधार पर आबकारी कंट्रोल रूम प्रभारी GL मरावी अपनी टीम के साथ बरगी तिराहे भी खड़े हो गए। एक वाहन जो कि संदिग्ध लग रहा था, उसे रोकने की कोशिश की तो वो जंगल तरफ भागा और फिर वहीं पर गाड़ी छोड़कर भाग गया। वाहन चेक करने पर देखा कि गाड़ी के पीछे दवाओं के डिब्बे रखे हुए हैं, जिसके पीछे अवैध शराब जिसकी कीमत करीब 4.5 लाख रुपए रखी हुई थी। फिर भाग गया शराबी तस्कर। आबकारी विभाग ने भले ही लाखों रुपए की शराब सहित वाहन बरामद किया है, पर इस बार फिर शराब तस्कर वाहन को छोड़ भागने में सफल हो गया। हालांकि विभागीय अधिकारी का कहना है कि इस तरह की चूक बहुत कम ही होती है कि आरोपी जंगल से भागने में सफल हुआ हो। इस कार्रवाई के दौरान शराब के साथ जो दवा मिली है वो एक्सपायर थी। ऐसे में अब आबकारी विभाग इसकी भी जाँच कर रही है कि आरोपी शराब तस्कर एक्सपायर दवा से कहाँ से लाए हुए हैं। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। मुझे लगभग 12 बजे के आसपास कंट्रोल रूम में सूचना प्राप्त हुई थी कि सिवनी की ओर से जबलपुर के लिए एक लोडर वाहन में भारी मात्रा में दारू लोड करके, शराब लोड करके और लाई जा रही है। तत्काल यदि गाड़ी को रोक करके तलाशी ली जाएगी तो भारी मात्रा में शराब पकड़ी जा सकती है। इसी सूचना पर मैं स्वयं टीम लेकर के और बरगी से आगे रोड पे चेकिंग के लिए खड़ा हो गया और बताए गए वाहन का इंतज़ार करने लगा। और जैसे ही वाहन आया तो उसको रोकने का प्रयास किया गया। वाहन चालक जो है तो बहुत तेज़ी से गाड़ी आगे बढ़ा करके और एक साइड में लगा करके जंगल के पास खेतों से होकर के जो है तो दौड़ लगा दिया। और जैसे ही हम पहुंचे तो काफ़ी दूर निकल चुका था और गाड़ी की तलाशी लेने पर 75 पेटी देसी मदिरा मसाला बरामद की गई है, जिसकी कीमत लगभग 4,12,000 रुपये है और वाहन की कीमत 4 लाख रुपए के आसपास। दवाई भी एक्सपायरी कुछ रखी हुई। हाँ, दारू को छुपाने के लिए, शराब को, पेटियों को छुपाने के लिए कुछ कैरेट्स को सील बंद किया गया है और कुछ दवाई के पैकेटों को जो है तो पीछे भर के रखा गया था, ताकि कोई भी वाहन चेक करने वाला व्यक्ति यदि चेक करे तो उसको प्रथम दृष्टया समझ में आए कि दवाई रखी है, शराब नहीं। इसलिए जो है तो उन्होंने ये जो है तो तस्करों का एक तरीका हो सकता है कि पहले दवाइयों की पेटियाँ भर दिया और इसके बाद जो है तो बाद में शराब की पेटियां। कितनी कीमत होगी लगभग? 4,12,000 के आसपास शराब है। कहां पर सप्लाई करने की तैयारी की? जबलपुर शहर में लाया जा रहा था, क्योंकि मुलजिम गाड़ी छोड़कर के और फरार होने में सफल रहा है, इसलिए जो है तो जब तक मुलजिम पकड़ा नहीं जाएगा किसको देना था इस बात का अभी खुलासा नहीं किया जा सकता। ऐसे ही खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।